वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये देखो विशाल आग लगा रहा है। आग नहीं लगा रहा है, मतलब लगाता तो बहुत है, बट अभी जो है आग जिस चीज की लग रही है वो चोखा पार्टी बनाने की आग लग रही है। ये पाथियां हैं, पाथियों से लगती है। सब पोथे निकल, इतने में हो जाएगी। और ये खुशबू बैठी है, साथ में सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आंटी। दिखाती हूँ कि भाभी क्या कर रहे हैं। हम चोखा बाटी बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? मैं कपड़े निकाल रही थी। ये देखो कपड़े निकाल रहे, कपड़े भी धो रहे, ये भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। ये पंजाबी हैं, लेकिन हमने ना इनको बिहारी और यूपी वाला बना दिया है। बाय बाय नहीं, अभी इधर आए से आओ भाभी। बोल रही कम है क्या पाथी? और क्या, इतनी बड़ी जनसंख्या तो बहुत है। और क्या, पूरा मोहल्ला ही पाथी में आग लगा रहे हैं। तो कुछ लोग उधर देखो खड़े होके देखवा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ये सिर्फ दर्शक है और खाने वाले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। हाँ गेट पे बैठ, गेट से नहीं गेट पे बैठ, या इधर ही छीलते ले आओ ले आओ। अरे अंदर इधर छीलेंगे, यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है रजाई भी छा दी है, उसी पे बैठ के नीचे किनारे करके। यार कम वो आ गए, आप पूछ रहे हो कहाँ छीलेंगे? ऊपर ले चलो, इधर ही ले आओ, इधर ही ले आओ। अरे रखो यार इधर, आग भी जल रही है। गंदे से क्या करना, आलू नीचे थोड़ी रखना, आलू नीचे नहीं रखना, रखो ये रखो इसको। ये आलू उबल के आ गए, देखो चलो आलू। बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, आग जलाई हुई है, देखो उसमें आग बनेगी, उसके बाद हमारी पार्टियां बनेगी। ऐसा लग रहा है सच में जैसे ना किसी की शादी होती है ना, पहले ये घर और वीडियो बनता है। ये देखो बाटी बन रही है और इतने सारे लोग बैठ के बना रहे हैं मजे से। मिक्स नहीं करने, गरम गरम। खुशबू हाय हाय, कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है, लग रहा है सच्चे बिहार में। आप बिहार में हो आंटी? आप भी बिहारी हो गए? नहीं मैं तो चंडीगढ़ में हूँ भाई। भाई ये हिमाचली हैं, ये पंजाब के हैं, ये पुणे के हैं, ये इधर हमारे आंटी बिहार के हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और मैं हिमाचल की भी हूँ, अभी मैं पंजाब में हूँ। ट्विन बनूंगी। यार जल गई आग, अब हाथ सेक लेते हैं। ये तो आग निकल जाएगी, मैं हाथों पे जा। और इसमें स्टफिंग कर रहे हैं आटे के बीच में। सर इतना ही था, कम पड़े, थोड़ा थोड़ा डालो, कम पड़ जाएगा। भी करते रहो ना, वही ना मैं बोली लो ही डालो। और इसको ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद थोड़ा बाद में वो ऐसे लाल टोरी बनानी है, ऐसे कटोरी, फिर देन उसमें ऐसे स्टफ करना है ऐसे करके, फिर अंदर डाल दो, फिर ऐसे ये जैसे जैसे पराठे का बनाते हो उसको गोल गोल कर देना बस। और इसको फिर ये देखो ऐसे बना इसको, हाँ इसको के बीच में क्या क्या मिक्स किया? इसमें प्याज डाला है, हरी मिर्च, हरी मिर्च है, अजवाइन, अदरक, धनिया हरा, हाँ इसमें वो नहीं था नींबू रहता था, अच्छा नींबू नहीं था, अचार का, अचार का मसाला डाला है। वाओ कितना टेस्टी लगने वाला है। भाभी आप पहली बार खाने वाले हो? यस पहली बार। आप भी पहली बार खाने वाले हो आंटी? हाँ। जरा बताना कैसा बनता है, पहली बार बनाने जा रहा है? मैं बनाता रहता हूँ यार गांव जाके ना, बनाता है जब खेतों में जाते हैं ना, हाँ? पानी लगाने के लिए तब बनाते हैं, खेतों में बनाते हैं। अच्छा ऐसा भी कुछ रहता है क्या विशाल की इतवार मंगर नहीं बना सकते, मतलब संडे को और जो है ट्यूजडे को नहीं बना सकते? ट्यूजडे को नहीं होता, संडे को तो होता है। अच्छा ट्यूजडे को होता है, नहीं बना सकते? अच्छा तो ये अभी भी मुझे पता चल रहा है एग्जैक्ट कि ट्यूजडे के दिन ये नहीं बना सकते हैं, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है चोखा पाटी बनाना। और ये देखो बैंगन लेके आई है रूबी, बैंगन लगाएंगे इसमें भूनने के लिए। मम्मी इस बीच से तो हैप्पी बर्थडे पटनौर। हाँ भाई तो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? तुलसी आप क्या कर रहे हो? मैं लहसुन कट कर रही हूँ। ओके आंटी आप क्या कर रहे हो? प्याज चोखे के लिए, प्याज। ओके प्याज और मिर्ची, ये आंटी हमारी चोखे के लिए और ये तुलसी हमारी चोखे के लिए। और ये तू क्या कर रही है? ये मैं दिखती हूं, चने का सत्तू है ना, ये देखो हमारी पंजाबन भाभी भी बना रही है। सोचो जब ये बना सकती है, अगर ये पंजाबन भाभी चोखा बाटी बना सकती है, खिला सकती है, तो मुझे लगता है
सारे पंजाब में फेमस होना चाहिए। कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, कोई भी खा सकता है। तो मतलब प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है। और हमारे यहाँ पे देखो भाई लोग साथ में बैंगन और ये भुना जा रहा है टमाटर। अरविंद आया है, कहाँ से? अरविंद आया है ऑलरेडी स्पेशल आया है बिहार से चोखा बाटी खाने के लिए। बोलो हाय। हाय। इसकी शादी होने वाली है। हाँ। इसकी शादी होने वाली है और हमें बुला ही नहीं रहा है। तभी तो यहाँ खिला रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। तभी पार्टी दे रहा है यहाँ पे। ये इनकी तरफ से पार्टी है भाई। भाई ये पार्टी समझ में नहीं आई, कंट्री करके कड़ी पार्टी होती है। यही तो पार्टी होती है कंट्री करके। और क्या। हाँ समझे तो होनी। मजेदार पार्टी है। ये देखो इसके अंदर टमाटर जल रहे हैं, भून रहे हैं। ये बैंगन रखे हुए हैं। साला टमाटर तो गिना ही नहीं रहा यार, कितने दे। तो गिनने की क्या जरूरत है, ऐसे भूनने ना। अरे जो अंदर आगे फिर तीन दिखाई दे रहा है बस, फिर देखूंगी। ये लो टमाटर पक गया, विशाल निकालो। पक जाएगा, फट हो जाएगा। विशाल एक तरफ से टमाटर लो, एक से नहीं। इस हमारी महफिल की भी वीडियो ले लो। हमारे तो पकोड़े बनते होते थे, टोकरी में टोकरी भर भर के ऐसे बाहर बैठ के बनाते थे। आग बुझने लगा विशाल। आ जाओ यार ले आओ। ये तो ले आ गया। अच्छी तो आग बन चुकी है देखो। मम्मी यार रखो इस पे, छोड़ो उसे, रखो यार अभी तोड़ोगे सब। रखो बुझ जाएगी आंटी, रखो अभी। अरे जल जाएगा, होगा बन गया ना, पक गया ना। ओए बाहर छील ना दिखा। हाँ पक गया, गल रहा है पूरा। लिट्टी जब कम ही पड़ेगा, हमें सोच रहे काटा। अभी यार डाइट है, डाइट है ना। कैसे बना ना पाते तो पंजाब में। क्या गजब का इंजॉयमेंट हो रहा है सच में, चोखा बाटी का इंजॉय जा रहा है। अंदर घुस चुके हैं भाभी। एक बार वहाँ से भाभी, एक बार वहाँ से हटो आंटी, हटो सामने से एक बार। हाँ करो, हाँ हाँ चलो करो। शुभम है वो। अच्छा। गजब का इंजॉयमेंट है बाबा, कितना गजब का इंजॉय कर रहे हैं भाई ना, चोखा बाटी का इंजॉय। बहुत मजा आ रहा है। आप लोग को भी सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलके चोखा पार्टी करनी चाहिए, करनी चाहिए चोखा पार्टी, करनी चाहिए चोखा बाटी पार्टी करनी चाहिए। यार आप भी बना, शुरू करो कहाँ से। लगावे लू जब लिपस्टिक, ही ले लाया राडी स्टिक, जीला टॉप लागे लू कमरिया, आहा कमरिया, आहा कमरिया, कोरे लो पालो लॉली पॉप लागे लू। विशाल क्या कर रहा है, जेब में क्यों डाल रहा है निकालने के बहाने। भाई दो ही डाल ले अभी, मत डाल यार सबने खाने हैं। देखो ये जेब में पा रहा है, जेब में पा रहा है भाभी। मेहनत में लग लगे, आप मेहनत कर रहे हो। आप की कुछ सड़ा के बह लूंगा। सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी, ए हमारी आंटी, ए हमारी आंटी। थोड़ा सा तो वीडियो में मैं भी आ जाऊँ यार, मेरे को तो कोई बना ही नहीं रहा, मैं सबकी बनाई जा रही हूँ। चुप हो जा, कितनी देर से मैं काम करवा रही हूँ। बैंगन मैंने छीले, टमाटर मैंने छीले, बाटी मैंने आग में डलवाई। वीडियो के चक्कर में वीडियो बना रहे, बस अभी भी अपने वीडियो के चक्कर में आग सेक रहे हो, अभी पता लग रहा क्या कर रहे हो आप। देखो सारे लोग यहाँ बाहर ही खा रहे हैं आग के किनारे, ये देखो पत्तल में खा रहे हो अभी। कैसा लग रहा है टेस्ट, टेस्ट भाभी टेस्ट। वाओ यम्मी, यम्मी। आंटी आपने खाया, मैं अभी खाया। लाइक तू बता, ईटिंग लाइक वाओ, जस्ट ईटिंग लाइक वाओ वाओ। तो मैं अपने वाला ले गई हूँ घर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और एड ऑन करना था कुछ चीजें। तो बस अभी मैं, कैसा लग रहा है मजा दिखा दे थोड़ा। नहीं नहीं क्यों, मैं जा रही हूँ अंदर, ठीक है ठीक है, बाय गुड नाइट। ये बहुत अच्छी पार्टी है, नेक्स्ट टाइम जल्दी करेंगे फिर से। मैं अपने वाला जो था वो सारा अंदर ले गई हूँ, क्योंकि मम्मी थक गए थे बाहर बैठे बैठे। तो अब हम घर पे खाएंगे, घर के अंदर। ये शुभम जो है घी के बीच डुबो रहा है, ये क्या बाटी, निकालो जल्दी जल्दी से। ये कटोरी में हमने डाला है घी, घी कहाँ है, ये हमने इसमें कुन वाला नमक भी डाला है।
अलग से धनिया डाला है, अलग से प्याज भी डाला है, और ये जो बाटी है तेल भी डाला है सरसों का अलग से, और जो बाटी है ये घी में हम डुबो रहे हैं। और ये देखो मम्मा खा रही है तो पापा की याद आ रही है, इनको कह रही है पापा बहुत परेशान रहते हैं लिट्टी चोखा के बिना। पापा को मेरे बहुत ज्यादा पसंद है ये, और ज्यादा कोई बनाता तो है नहीं। मम्मी को पापा की याद आ रही है, कह रहे पापा ज्यादा खाते। इसमें दूं तुम्हें? हम बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा ये, क्या आप जो है इसमें मिट्टी लगी हुई है, मैं नहीं खाऊंगा, राख लगी है। अब खा के देखो जरा फिर बताना। होटल में यह लिट्टी चोखा दिया थी, टेस्ट अच्छा है ना। प्याज भी ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा चीजें घर पे, सरसों का तेल अलग से ऐड किया थोड़ा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग भी बनाओ लिट्टी चोखा है ना, और खाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। बाय।